दिस इज द वर्कशीट फॉर चैप्टर नंबर 5. नेम ऑफ द चैप्टर इज सीड्स एंड सीड्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स. ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं. ओके, दिस आर द ऑप्शंस: एयर, वाटर, वार्म, जॉर्ज मैसरल, बर्स्टिंग, स्प्राउटेड, पॉड्स, यूरोप एंड इंसेक्ट्स. सो दिस आर द ऑप्शंस. सो फर्स्ट वन, ईटिंग डैश सीड्स इज गुड फॉर हेल्थ. सो ईटिंग स्प्राउटेड सीड, जो सीड्स है उनको स्प्राउट करके खाने से हमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है. ओके, देन सेकेंड वन, सीड्स रिक्वायर डैश डैश एंड डैश टू ग्रोथ. सो सीड्स को क्या चाहिए? एयर, वाटर और वार्मथ चाहिए ग्रो होने के लिए. ओके, थर्ड वन, वेलक्रो वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज मैसरल. वर्ड को किसने डिस्कवर की थी? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जॉर्ज मैसरल. ओके, फोर्थ वन, सोयाबीन सीड्स आर स्कैटर्ड बाय डैश ऑफ देयर पॉड्स. सो सोयाबीन के जो सीड्स होते हैं वो किस तरीके से स्कैटर होते हैं? उनके पॉड्स बर्स्ट हो जाते हैं. सो बस्टिंग ऑफ देयर पॉड्स. देन फिफ्थ वन, पीस केम फ्रॉम डैश. पीस कहाँ से आई है? इट केम फ्रॉम यूरोप. ओके, देन सिक्स्थ वन, अ पिचर प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल that attracts dash to it. So it attracts insects to it. Okay. Now, question number 2. Write T for true and F for false statements. जो statement true होंगे उनको true लिखना है और जो false होंगे, जो गलत होंगे उसके आगे हमें false करना है. Okay. First one, seeds are of different shapes, sizes and colors and textures. So yes, सीड्स के डिफरेंट शेप होता है, साइज, कलर और टेक्सचर सब डिफरेंट होता है. सो दिस वन इज ट्रू. देन सेकंड, प्लांट्स कैन नॉट बी ग्रोन विदाउट सीड्स. प्लांट्स सीड के बिना ग्रो नहीं किए जा सकते. सो नो, दिस वन इज फॉल्स. प्लांट कैन बी ग्रोन विदाउट सीड्स. प्लांट को सीड्स के अलावा भी, सीड्स के बिना भी ग्रो किया जा सकता है. देन थर्ड वन, जॉर्ज मैसरल saw many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. So George Maxwell जो है उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे छोटे छोटे hooks देखे जो seeds को लगे हुए थे और जिसके कारण जो वो क्लोथ्स को या फर को चिपक जा रहे थे. ओके, फोर्थ वन, dispersal of seeds is essential so that the baby plant gets enough space, air and light. So yes, this statement is also true. Seed ka dispersal, seed ka alag alag places pe jana bahut zyada zaruri hai taki new plant, jo baby plant aa raha hai, use enough space, air aur light mile. So this statement is true. Okay, agar wo apne parent plant ke niche hi grow hoga तो वो उसके शेड में रहेगा, तो उसके कारण उसे स्पेस, एयर नहीं मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट विल बी स्टॉप्ड और यू कैन से विल बी हिंडर्ड. वो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी. दैट्स व्हाई डिस्पर्सल ऑफ सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिफ्थ वन, द पिचर प्लांट ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस. सो यस, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. पिचर प्लांट जो है फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स और माइस को खा जाता है, हंट कर लेता है, उसका हंटिंग कर लेता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. देन थर्ड, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. तो हियर आर सम स्टेटमेंट्स, यू हैव टू गिव रीजंस व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यू कैन से. ओके, फर्स्ट वन, डॉक्टर्स समटाइम्स एडवाइज सिक पीपल टू ईट स्प्राउट्स. डॉक्टर कई बार सिक मतलब बीमार लोगों को स्प्राउट्स खाने के लिए कहता है. तो क्यों? डॉक्टर्स एडवाइस टू ईट स्प्राउट्स एज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस. स्प्राउट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं. दैट्स वाई डॉक्टर एडवाइस टू ईट स्प्राउट्स. इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि स्प्राउट्स खाए जाए. स्टूडेंट्स, देन सेकेंड क्वेश्चन फॉर give reason for is seeds kept in refrigerator do not sprout.
क्या सीड्स को अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो क्या उनकी स्प्राउटिंग होती है? सो नो, सीड्स को क्या चाहिए होता है? सीड्स नीड वार्म टेम्परेचर, एयर एंड वाटर टू स्प्राउट। सीड्स को वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, एयर और वाटर चाहिए होता है स्प्राउट होने के लिए। इट इज वेरी कोल्ड इन रेफ्रिजरेटर, लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर कोल्ड होता है, दैट्स व्हाई सीड्स डज नॉट स्प्राउट इन रेफ्रिजरेटर। ओके, देन फोर्थ, क्लासीफाई द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। तो प्लांट्स को उनके ओरिजिन प्लेस के हिसाब से हम क्लासीफाई करना है। सो लेट अस रीड द ऑप्शंस फर्स्ट। मेथी, टमाटो, कॉफी, बी, ग्रीन चिली, कैबेज, रेडिश, पोटैटो, लेडी फिंगर एंड स्पिनच। सो दीज आर द ऑप्शंस। तो व्हाट आर द कंट्रीज हियर? इंडिया, यूरोप, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। सो फर्स्ट इज मेथी। मेथी बिलोंग्स टू इंडिया, मेथी जो है इंडिया को बिलोंग करती है। देन टमाटो बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका, सो वी विल राइट हियर। देन कॉफी, कॉफी बिलोंग्स टू अफ्रीका, सो वी विल राइट कॉफी हियर। ओके, देन पी, पी ऑल्सो बिलोंग्स टू यूरोप, पी बिलोंग्स टू यूरोप। देन ग्रीन चिली बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका, कैबेज बिलोंग्स टू यूरोप, रेडिश बिलोंग्स टू इंडिया, पोटैटो बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका, देन लेडी फिंगर बिलोंग टू अफ्रीका एंड स्पिनेज बिलोंग्स टू इंडिया। सो लाइक दिस यू हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। ओके, देन फिफ्थ वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर? अगर प्लांट्स को सही तरीके से पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इफ द प्लांट्स डिड नॉट गेट वाटर देन इट विल गेट ड्राइड अप। क्या हो जाएगा? प्लांट सूख जाएगा अगर उसे पानी नहीं मिला तो। देन व्हाट इज इनसाइड द सीड? सीड के अंदर क्या होता है? इनसाइड द सीड देयर एग्जिस्ट कोटिलेडॉन्स एंड एन एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो होता है मतलब बेबी प्लांट होता है और कोटिलेडॉन्स होते हैं। देन थर्ड वन, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? एक छोटे से बीज में से इतना बड़ा प्लांट कैसे ग्रो होता है? सो आंसर इज द सीड्स बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ग्रोस टू बी अ बिग प्लांट। सो सीड्स क्या है? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से और बड़े प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। देन व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस? व्हाई? तो आपके घर में कौन सी चीजें हैं जो सोक की जाती है बनाने के पहले? सो ऑप्शंस आर द थिंग्स दैट आर सोक्ड बिफोर कुकिंग आर चना, मूंग, ड्राई पी, राजमा, सोयाबीन, राइस। देन आफ्टर सोकिंग दिस थिंग्स स्वेल अप एंड बिकम सॉफ्ट। तो ये चीजें सोक करने के बाद फूल जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं। ओनली देन दे बिकम एट ईटेबल, और इसी के बाद वो खाने लायक बनती है। इफ राइस पल्सेस आर सोक बिफोर कुकिंग दे टेक लेस टाइम इन कुकिंग एंड थस फ्यूल कैन बी सेव। तो इससे फ्यूल फ्यूल की भी बचत होती है कि खाना बनाने में कम टाइम लगता है। अगर पल्सेस को, राइस को खाना बनाने के पहले ही उसे सोक करके रखा जाए तो कुकिंग में टाइम भी कम लगता है। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट थिंग्स यू डू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? हाउ आर दे स्प्राउटेड? तो कौन सी चीजें जो हम लोग स्प्राउटिंग करने के बाद खाते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं। सो वी ईट चना, मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग देम। टू स्प्राउट देम फर्स्ट दिस थिंग्स आर सोक इन वाटर एंड देन रैप्ड इन अ वाइट वेट क्लॉथ एंड हैंग अप सो दैट दे गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर। सो हम लोग कौन सी चीजें जो स्प्राउटिंग करने के बाद खाते हैं? जैसे चना है, मूंग है, ये सब चीजें हम लोग स्प्राउटिंग करने के बाद खाते हैं और इन्हें हम लोग पानी में पहले सोक करके रखते हैं, फिर उसे वेट क्लॉथ में बंद कर देते हैं, टाई कर देते हैं और फिर उसे हैंग करते हैं ताकि उसे प्रॉपर एयर एंड वाटर मिलता रहे। सो बाय दिस वे वी स्प्राउट सम सीड्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। तो कौन से वेज है जिसके द्वारा सीड्स सब जगह स्प्रेड होते हैं? तो
आंसर इज सीड स्प्रेड बाय वाटर बीन एनिमल्स बर्ड्स एंड ह्यूमंस। तो सीड्स बहुत तरीके तरीके से स्प्रेड होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। सो द वेज आर वाटर वेन एनिमल्स बर्ड्स एंड ह्यूमंस। ओके नाउ नेम द फॉलोइंग। नीचे जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ एग्जांपल्स दे देने हैं। फर्स्ट वन, सीड्स दैट आर यूज्ड द स्पाइसेस इन योर हाउस होम। तो कौन सी चीज है जो मसालों की तरह यूज करते हैं, दैट आर मस्टर्ड, क्यूमिन, एनिसिड, क्यूमिन मतलब जीरा, एनिसिड मतलब सौंफ। तो ये सब चीजें जो है वो एज इट दे आर सीड्स बट दैट दे आर यूज्ड द स्पाइसेस इन अवर होम। ओके देन सीड्स ऑफ वेजिटेबल। तो वेजिटेबल के सीड्स क्या है, टमाटो, लेडीज फिंगर, ब्रिंजल, ठीक है। देन सीड्स ऑफ फ्रूट, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा। देन लाइट सीड्स जिसे हम लोग ग्लो करके देख सकते हैं, तो क्यूमिन, एनिसिड जो बहुत लाइट वेट होते हैं। देन सीड्स विच आर फ्लैट लाइक ससेमे एंड एप्पल, ठीक है। ससेमे मतलब तिल, ये सब फ्लैट होते हैं। देन सीड्स विच स्कैटर्ड बाय बस्टिंग द पॉड। तो ऐसे कौन से चीज है, सीड्स हैं जो पॉड के बस्टिंग से होती हैं। सोयाबीन एंड पी आर द पॉड्स आर बस्टेड। तो उनके पॉड्स जो होते हैं वो बस्ट होते हैं और सारे पी इधर उधर बिखर जाते हैं। तो इस तरीके से वो अलग अलग जगह पे सीड्स पहुंच सकते हैं। देन सीड्स दैट स्कैटर बाय वाटर। तो ऐसे सीड्स जो वाटर के द्वारा डिस्पोज होते हैं, दैट इज कोकोनट, ठीक है। कोकोनट इज द एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टूडे। विद दिस अवर चैप्टर नंबर 5 विद अवर क्वेश्चन आंसर्स इज कम्प्लीट। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।